स्टूडेंट्स नाव वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बारगा इन प्रीवियस मेड्यूल्स वी टॉक्ट अबाउट द पाए चार्ट एंड ना वी आर गोइंग टू स्टडी बारगा बारग्राफ इज़ सम हाउ डिफरेंट फ्रॉम द पाए चार्ट ऑन टू बेसिस एक तो इसकी इलिस्ट्रेशन डिफरेंट होती है और दूसरा है ये हम जो है नॉमिनल वेरिएबल के लिए भी बना सकते हैं और ऑर्डिनल वेरिएबल के लिए भी बना सकते हैं जबकि पाए चार्ट जो है वो सिर्फ हम नॉमिनल वेरिएबल्स के लिए बनाते हैं

इसमें जो गैप होता है बिटवीन द टू बार्स वो यूनिफॉर्म होता है और वो इक्वल होता है इसमें ऐसा नहीं है कि बार वन और बार टू के दरम्यान गैप ज़्यादा होगा और बार टू और बार थ्री के दरमियान गैप कम होगा ये यूनिफॉर्म होगा द हाइट और लेंथ ऑफ ईच बार रिलेट्स डायरेक्टली टू इट्स वैल्यू यानी उसकी जो मैंने आपको पहले भी बताया जो हाइट या जिसको हम लेंथ कहते हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी या परसेंटेज को अब रिप्रजेंट बार ग्राफ जो है वो तीन किस्म के हो सकते हैं एक आपके बार ग्राफ्स होते हैं दूसरे आपके वर्टिकल बार ग्राफ होते हैं, तीसरे आपके बाईवेरिएट ग्राफ्स होते हैं और बाईवेरिएट ग्राफ्स में भी क्लस्टर्ड हो सकते हैं और स्टैक्ड हो सकते हैं ये मैं जो आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ इसमें एक आपके पास बार uh, ग्राफ है और दूसरा आपके पास वर्टिकल ग्राफ है जैसे हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स केमिस्ट्री, फिजिक्स लिटरेचर मेडिसिन, पीस इकनॉमिक्स ये वाला जो आपका बारग्राफ है ये एक वर्टिकल बारग्राफ है जिसमें हमने फ्रिक्वेंसी दिखाई हुई है कि क्या है आ, डिफरेंट इनमेंट जो स्टूडेंट्स की है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स दूसरी तरफ ये वाला जो बारग्राफ है इसको हम हॉरिजेंटल बारग्राफ कहते हैं अब इसमें हमने फेवरेट कलर दिखाए हमें और फेवरेट कलर जैसे पिंक येलो ग्रीन ब्लू और रेड तो इसमें जो बार की लेंथ है वो ये बता रही है जो हाइट है कि वो जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है उस उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है जैसे यहाँ पे येलो देख लें फिर रेड है फिर ब्लू है और पिंक है और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें मेडिसन और फिज़िक्स एंड देन केमिस्ट्री यानी सिंपली नज़र आ रहा है कि जो नेचुरल साइंसिस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें इनरोलमेंट ज़्यादा है मोर देन वन फिफ्टी है इन ईच कैटेगरी जबकि जो लिटरेचर पीस और इकोनॉमिक्स हैं वो उनकी इनमेंट वन फिफ्टी से कम है यहाँ पर आप देखें कि इनमें जो डिस्टेंस है वो इक्वल है सेम इज़ केस हेयर एज़ वेल और ये जो बार की जो विड्थ है वो भी इक्वल है सिमिल सेम हिज हेयर एज तो बार ग्राफ जैसे बाईव भी हो सकते हैं अब बाईवेरिएट में ये जो बार ग्राफ है ये क्लस्टर्ड बार ग्राफ है इस बार ग्राफ को हम कहते हैं क्लस्टर्ड इसमें दो वेरिएबल्स हैं एक आपके पास जेंडर का है दूसरा एजुकेशन लेवल का है यानी आपके पास अब एजुकेशन लेवल के तीन लेवल्स हैं बैचलर्स, मास्टर्स एम फिल ये वेरिएबल आपका ऑर्डिनल है और ये आपका नॉमिनल है आपने जो है जो है इनरोलमेंट दिखाई है तीनों लेवल्स पे मेल और फीमेल की कि जैसे बैचलर्स लेवल पर मेल की इनरोलमेंट ज़्यादा है एज़ कंपेयर्ड टू फीमेल और मास्टर लेवल पे ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और एम लेवल पे फीमेल की इनरोलमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू मेल अब यही डाटा हमने यहाँ पे वर्टिकली रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर हमने हॉरिजेंटली रिप्रेजेंट किया है डाटा सिमिलर है और बार की टाइप सिमिलर है यानी क्लस्टर्ड है मगर उसको जो हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर वर्टिकल एक्सेस पे किया और यहाँ पर हॉरीजेंटल एक्सेस पे किया है अब ये जो ग्राफ है इसको हम कहते हैं स्टैक्ड बार ग्राफ स्टैक में क्या होता है कि आप बजाय दो डिफरेंट बार्स बनाने के एक ही बार में बट तो टू डिफरेंट कलर्स आप दिखा देते हैं कि उसकी प्रपोशन क्या है जैसे बैचलर्स लेवल पे ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंटिंग मेल और ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग फीमेल तो यहाँ पे आपको इट्स क्वाइट एविडेंट दैट के ग्रीन की प्रपोर्शन ज़्यादा है तो इसकी जो है इनरोलमेंट भी ज़्यादा है तो ये वर्टिकल बार ग्राफ है और ये आपका स्टैक्ड बार ग्राफ तो अब जब आप नंबर्स की बजाय ऐसे ये बार ग्राफ बनाएंगे तो सिंपली जो है जो आपके ऑडियंस है वो समझ जाएगी कि ये जो प्रपोर्शन है इस डेटा सेट में ऑफ द इनमेंट वो मेल की ज़्यादा है क्योंकि उनका प्रपोर्शन यहाँ बार ग्राफ में हाई तो ये तीन टाइप्स के मैंने आपको बार ग्राफ बताए जो कि हम यूज़ करते हैं अपने डाटा एनालिसिस में